नमस्कार, कैसे हो? तो अब हमारा 5.1 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 4 है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पहले इसको बेटा रीड करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फ्रॉम एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यानी इसके हमें ना कई पार्ट दे रखे हैं बुक में, लेकिन हम इंपॉर्टेंट ही करेंगे। अगर आपको इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन समझना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो मैंने 1, 2, 3, 4 लिखे हैं, इनको सोल्व करेंगे। अगर ये सोल्व कर लिए तो वो आसानी से हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 पार्ट दे रखे हैं, एक एक करके सोल्व करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ, अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो हमें नेक्स्ट, ठीक है, हमें 3 मोर टर्म्स निकालनी है। अगर इन ये एपी नहीं है, एपी कौन सी नहीं होगी, इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा, तो उसको वहीं स्टॉप करना है, ठीक है बेटा। तो यहां पे क्या आएगा, ये हमारा गिवन है और A2 भी, A3, A4। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए इसको लेते हैं पहले A2 - A1, ठीक है। तो A2 कितना हमारा 3 + √2 और A1 - 3, ये कट जाएगा, कितना बचा √2। अब वही A3 - A2, अब ये लेंगे A3 ये है, देखो तो यहाँ पे ये A है, ये A2, A3 और ये A4, ठीक है बेटा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, A3 3 + √2 और माइनस आ भी हो, ब्रैकेट लगा लेनी चाहिए हमें, 3 + √2, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 + √2 - अगर बार माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, 3 - √2, ठीक है बेटा। अब देखो यहां माइनस का ये प्लस का कट, अब यहां पे 2 √2 है और ये √2 है, तो मैं समझाता हूं। जैसे √2 + √2 ये बनते हैं ऐसे √2, ठीक है। अगर इसमें से मैं 1 √2 माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, सिर्फ √2 ही तो बचेगा हमारे पास, 2 है, 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा √2, ठीक है। तो यहां पे क्या बचा हमारे पास, 2 था, यहां पे 1 है तो ये √2। ओके, अब A4 - A3, A4 क्या है, 3 + √2 - ब्रैकेट स्टार्ट 3 + √2। अब वही 3 + √2 - साइन चेंज हो जाएंगे, 3 - √2, प्लस माइनस कट गया। अब यहां पे 3 √2 है और ये 2, 3 में से 2 गया तो 1, तो √2, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है। तो इसके नेक्स्ट 3 एपी हम आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे देखो। अब यहां पे एक चीज देखनी है, देखो यहां पे 3 √2, यहां पे 2, यानी यहां पे ये सिंगल है, ठीक है। पहले लिख लेते हैं, आसान हो जाएगा, एपी, ठीक है, इट इज एन एपी, ये एपी है। क्या होगा, 3 3 + √2, 3 + √2, उसके बाद 3 + 3 √2। अब ये देखो यहां पे सिंगल है √2, यहीं पे पता लग जाएगा, यहां पे 2 आ गया, यहां पे 3 आ गया, ये सॉरी 3। तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट होगा हमारा 3 + 4 √2, ठीक है, एक ये निकल गया हमारा। उसके बाद क्या होगा, 3 + क्योंकि 3 सब में ऐड हो रहा है तो 3 + 5 √2, उसके बाद 3 + 6 √2, ये हमारे निकल के आ जाएंगे। अब देखो सिंगल 1, यानी 1 है यहाँ, 2 3 4 5 6 और 3 सबके सामने है, तो ये हमारा कंप्लीट, ठीक है, हो गया क्वेश्चन 4 का 5th पार्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है बेटा। अब हमारा नेक्स्ट है वो देखो क्या है, A2 - A1 निकालना है, D निकालना हमें, तो 0.22 - 0.2, ठीक है, यानी इसमें से इसको माइनस करना हमें। कैसे करते हैं, 0.22 और 0.2 कितना जाएगा, 2 0, ये तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 0.2, ठीक है। अब नेक्स्ट का A3
माइनस ए टू। अब ए थ्री कहाँ है, ये है 0.222 माइनस 0.242। अब इसमें से माइनस करो 0.222 और 0.2 और 2। अब 2 0 0 और 0, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 0 0 2। अब यहीं पे देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये इसका डिफरेंस कितना है और इसका डिफरेंस अलग है, तो इट इज 9 NAP, ठीक है, इट इज 9 NAP, तो ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, देखो यहां पे डी निकालेंगे, ए स्क्वेयर माइनस, पहले लिख लेते हैं a2 - a1, तो यहां पे a2 कितना है, ए स्क्वेयर माइनस ए, तो माइनस ही नहीं कर सकते क्योंकि इस पे स्क्वेयर नहीं है। आगे लेते हैं a3 - a2, ये कितना हो जाएगा a3 - a2, ये भी अलग है। अब a4 - a3 लेते हैं, a4 और ये a3, ये भी अलग है, तो नो, ये भी नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन यहीं समाप्त। नेक्स्ट अब ये है, अब इस पे थोड़ा ध्यान देना बेटा, लास्ट है इसका। इसमें देखो क्या दे रखा है, डी a2 - a1 निकालना हमें, ठीक है, तो क्या होगा √8 - √2। अब ये देखो इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, रूट एट का मतलब क्या होता है, ये 2 × 2 × 2, और इसको हम ऐसे करते हैं, तो जिनका पेयर होता है वो रूट से बाहर आ जाते हैं और जिनका नहीं होता वो ऐसे, तो मैं इसको 8 को ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे ये 2 × 2 = 4, 4 × 8 ही होते हैं, तो ये कितना जाएगा 2√2 - √2। अब ये इजी हो गया, अब 2 यहाँ पे है 1 यहाँ पे, तो कितना आएगा √2। उसके बाद a3 - a2 कितना जाएगा 18 - 8। अब 18 को कैसे लिख सकते हैं हम, इसको तो हमने लिख रखे हैं यहाँ पे 8 का, तो ये तो हो गया 8 का। अब 18 का 3 × 3 × 2, ठीक है, अब ये 3√2 ये लिख सकते हैं, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, ठीक है बेटा, तो इसको लिख सकते हैं 3√2, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे हमने सोल्व करेगा 2√2। अब वही चीज यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है, 3 में से 2 जाएंगे तो सिंगल। अब a4 - a3, अब क्या हुआ इसका, अब देखो √32 - √18, अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा 4 × 4 × 2, 4 16 16 2 = 32, ये होता है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 4, ठीक है, ये कितना है हमने यहां पे निकाला है 3√2, तो कितना हो जाएगा √2। अब कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब अब हमें इसके नेक्स्ट 3 पार्ट लिखने पड़ेंगे, तो ये क्या है एपी है, ये हमारी क्या होगी एपी है, ये हमारी एपी हो गई। तो अब सबसे पहले लिख लेते हैं एपी, यहां पे दे रखा है √2, यहां पे 8, यहां पे 18 और यहां पे 32। देखो ये करते हैं इसको, अब एक चीज देखना बेटा ध्यान से, यहां पे देखो 2√2, यहां पे 3√2, यानी ये 1 1 2 और यहां पे 4, यानी सीक्वेंस में आ रहा है 2√2 3√2 और 4√2। तो अगला क्या हो सकता है, अगला हो जाएगा 5√2, इससे अगला क्या हो जाएगा 6√2, इससे अगला क्या हो जाएगा 7√2, ये जो है देखो सीक्वेंस में बन रहा है हमारा, ये हो जाएगा। लेकिन अब इसको लिखते कैसे हैं, इसको हम कन्वर्ट करके लिखेंगे, जैसे इसको कन्वर्ट कर रखा है, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, यहां पे इससे आगे एपी बनानी, ये तो मैंने ब्रैकेट में समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, एपी इसके आगे चलेंगी, यानी 1 2 3 4 और 5 यहां पे आएगी, तो क्या आएगी
फाइव और फाइव यानी इसको स्क्वेयर कर लेते हैं हम रूट टू, इसका अगर स्क्वेयर करते हैं ये कट जाएगा, लेकिन इसका स्क्वेयर होता है तो कितना आ जाएगा हमारा 25, और 25 को हम किससे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा ये जो सोल्व करना बता रखा है 50, तो यहां पे नेक्स्ट आएगा सॉरी रूट 50। उसके बाद 6 जा 36 और 2 जा 72, उसके बाद 7 जा 49 और उसको 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 8 और 98, तो 98। तो हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये फिफ्थ ये सिक्स और ये सेवन, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से करना बेटा, इसमें बच्चे पजल कहाँ हो जाती है, यहाँ पे रूट एट है यहाँ पे रूट टू, तो इसको ना ऐसे कन्वर्ट कर लो बिल्कुल इजी हो जाएंगे। और ये निकालने का आसान तरीका है, ये दोनों तरह से समझा दिया, इसको अगर अच्छे से रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।